सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सुनील वाला टेक्निकल में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के सामने ऐसा ज़बरदस्त कंटेंट लेके आया हूँ जिसके मदद से आप महीने के लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल इजी और आसान तरीके से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे उस टाइप का जो अभी बताने जा रहा हूँ, इस टाइप का मैं आपके सामने कंटेंट को जो है तो चैनल को ओपन कर दे रहा हूँ। यहाँ पर सर्च बार में गया और यहाँ पर देखिए हिंदी इंग्लिश पाठशाला है, तो इस जो चैनल को मैं यहाँ पर ओपन कर दे रहा हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर इनके चैनल पे 3.82 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। और यहाँ पे मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये बच्चों से रिलेटेड जो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, यही जो है ये आ से अनार और ये सब मतलब बच्चों से रिलेटेड जो है तो जो कंटेंट है यही सब ये डालती हैं। और इस तरीके का कंटेंट में इतना ज़्यादा व्यूज है कि अभी मैं आपको यहाँ पे जो व्यूज दिखाऊँगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। यहाँ पे देखिए 514 मिलियन, 190 मिलियन, ये क्या है भाई, 164 मिलियन, मतलब यहाँ पे 1-2 मिलियन नहीं, 500 मिलियन व्यू जा रहा है। और उसके बाद मैं यहाँ पे सर्च बार में गया और यहाँ पे मैं दूसरा चैनल ओपन किया, चुच्चू टीवी स्टार। यहाँ पे देखिए इस भाई के चैनल पे 124 वीडियो है और 382,000 इनकी वीडियोज है, सॉरी सब्सक्राइबर है, 382,000 सब्सक्राइबर है, 124 वीडियोज हैं। और यहाँ पे देखिए 51 मिलियन 6 महीना पहले, और उसके बाद 6.7 मिलियन, 5.3 मिलियन, मतलब इनके भी वीडियो में जो है मिलियंस में व्यू जा रहे हैं। अब यहाँ पे इनके कंटेंट को मैं ओपन करके आपको दिखा दे रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ से ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, देखिए अब इसी तरीके का कंटेंट आपको बना लेना है। अब इस तरीके का कंटेंट बनाने के को कैसे बनाना है और कैसे इसको एडिट करना है, कहाँ से इमेज लेना है, सब जानकारी मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं इस भाई के चैनल की अर्निंग आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ से मैं जो है यहाँ पे गया कोने में 3 डॉट पे और यहाँ से शेयर वाले पे क्लिक किया और इस चैनल का लिंक जो है मैं कॉपी कर लिया। लिंक कॉपी करने के बाद में यहाँ से मैं आ जाता हूँ बैक, आ जाता हूँ क्रोम एप्लीकेशन में। यहाँ से मैं क्रोम एप्लीकेशन को ओपन कर दिया और यहाँ पे क्रोम एप्लीकेशन ओपन करने के बाद सर्च बार में गया और सर्च बार में यहाँ पे जो है मैं लिख दिया सोशल ब्लेड, और सोशल ब्लेड यहाँ पे ओपन करके मैं इस चैनल का अर्निंग आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सर्च बार में गया और यहाँ पे जो है इस चैनल को चुच्चू टीवी, इसको यहाँ पे जो है सर्च कर ले रहा हूँ। अभी ये देखिए इस तरीके से अभी ये सर्च करूँगा तो ये चैनल पूरा अभी ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये इनका चैनल ओपन हो गया। अब यहाँ पे इनके चैनल पे देखिए $1500 से लेके 23.9, यानी कि $1500 से लेके और 23,000 इनका जो है एक महीने का मंथली अर्निंग मतलब यहाँ पे आ रहा है, तो मंथली अर्निंग है। यहाँ पे देखिए, अब मैं ज़्यादा 23,000 का छोड़ देता हूँ, सिर्फ 1500 का मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, मिनिमम मैक्सिमम छोड़ देता हूँ, मिनिमम कम से कम का मैं देखता हूँ। तो यहाँ पे 1500 का मैं यहाँ पे जो है न्यू टैब में किया और यहाँ पे सर्च बार में गया और यहाँ पे $1500 इन रुपीज में किया तो 1,22,760 रुपये होते हैं, इतना ज़्यादा इनका अर्निंग हो रहा है। अब यहाँ से मैं आ जाता हूँ बैक, अब हमको आ जाना है काइन मास्टर एप्लीकेशन में। अब काइन मास्टर एप्लीकेशन में आ जाता हूँ और काइन मास्टर एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन कर दे रहा हूँ। काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर दिया और यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक कर दे रहा हूँ और उसके बाद 16:9 रेशियो सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे 16:9 रेशियो सेलेक्ट करके यहाँ से जो है इमेज ACS पे क्लिक करके यहाँ से वाइट बैकग्राउंड ले लेता हूँ और इस तरीके से ये हमारे सामने बैकग्राउंड ले लिया। अब इस बैकग्राउंड को लंबा कर लेना है, मैं एग्जाम्पल के लिए छोटा सा बना रहा हूँ। अब यहाँ पे हमारे सामने जो है ए फॉर एप्पल मुझको लिखना है, तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, इसको हमको लिखना है। तो यहाँ से मैं जो है ये लेयर पे टैप करूँगा, यहाँ पे देखिए ये वाला है लेयर, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो है ये पेंसिल वाला टेस्ट वाला ऑप्शन है, इस पर हमको यहाँ पे लिखना है ए और उसके बाद में इसको यहाँ से ओके कर देंगे। अब यहाँ पे ये जो है
हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका कलर चेंज करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे और इसका कलर जो है यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं और ये नीचे वाला आपको जो समझ में आए इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से इस तरीके से करोगे तो इस तरीके से कलर चेंज होगा, राउंड वाले पे करोगे तो राउंड वाले से जैसा आपको समझ में आए आप कलर चेंज करेंगे और नहीं तो इस पर करेंगे तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं जो करता हूँ मैं राउंड वाले से ही करता हूँ, तो मैं यहाँ से इसका कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ इस तरीके से, इसको रेड कर लिया और यहाँ से इसका जो फॉन्ट है फॉन्ट हमको चेंज कर देना है। तो फॉन्ट में यहाँ पे AA पे क्लिक करेंगे और नॉट सेरिफ बोल्ड पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इसको ओके कर दिया, तो अभी देखिए इसका फॉन्ट कितना ज़बरदस्त दिख रहा है। अब उसके बाद में इसका हमको डुप्लीकेट करना है, डुप्लीकेट करने के लिए यहाँ पे 3 डॉट पे जाना है और उसके बाद में यहाँ से डुप्लीकेट ऑप्शन है इस पर हमको क्लिक कर देना है, यहाँ से एक डुप्लीकेट बन जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे एडिट वाले पे जाने के बाद में यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एप्पल, इसलिए मैं डुप्लीकेट किया ताकि हमको बार बार इसका जो है ये सब जो है फॉन्ट वॉन्ट ना चेंज करना पड़े। अब इसका कलर चेंज करने कलर के लिए इस कलर वाले पे क्लिक करेंगे और इसको रख देंगे ब्लू, तो इस तरीके से आ गया। अब हमको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा इमेज का, तो इमेज के लिए भैया हमको जाना पड़ेगा जो है इमेज सर्च मैन में, तो इमेज सर्च मैन में मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अब यहाँ से इमेज सर्च मैन को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इस तरीके से इसको ओपन कर लिया और यहाँ पे लिखा एप्पल पीएनजी लिखा, तो यहाँ से देखिए बहुत सारे एप्पल पीएनजी आ जाते हैं। अब इसमें से जो आपको पसंद है, मान लीजिए मुझको ये पसंद है, मैं यहाँ से इस पे एरो पे क्लिक किया और ये हमारे सामने डाउनलोड हो जाएगा, ये डाउनलोड हो जाएगा इस तरीके से। मैं इसको डाउनलोड करके दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए डाउनलोड हो गया। अब इसी तरीके से आपको ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल जितना है सबको इसी तरीके से डाउनलोड कर लेना है और आ जाना है क्रोम में। क्रोम में आने के बाद में यहाँ पे मैं न्यू टैब में कर देता हूँ और यहाँ से लिख देता हूँ बीजी रिमूवर नाम से ये है। अब यहाँ पे जो है बीजी रिमूवर पे इसलिए मैं कर रहा हूँ जो इमेज मैं वहाँ से डाउनलोड किया हूँ उसका बैकग्राउंड जो है हटाने के लिए केवल मुझको एप्पल रखना है, बैकग्राउंड हटा देना है। तो इस पर हम एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ पे अभी देखिए उसका बैकग्राउंड हट जाएगा, यहाँ पे देखिए हट गया बैकग्राउंड और यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे, ये इसका बैकग्राउंड हट गया। इसी तरीके से आपको टोटल जितना है सब का बैकग्राउंड हटा लेना है। इस तरीके से आप हटा लेंगे ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल जी जो भी है कैट डॉग सब का इस तरीके से आपको कर लेना है, जो है डॉग पीएनजी कैट पीएनजी बॉल पीएनजी, मतलब आप इसी तरीके से आप लिखेंगे सारा आपके सामने आ जाएगा और आपको जो है बीजी रिमूवर से सबका बैकग्राउंड रिमूव करके उसके बाद में अभी हमको आ जाना है काइन मास्टर में। तो यहाँ से अभी हमको इमेज चाहिए, तो इमेज के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है, मीडिया पे जाना है और यहाँ पे जो इमेज मैं डाउनलोड करके लाया हूँ उसको यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे ये वाला है तो इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया इस तरीके से। ये देखिए ये अभी ये इस तरीके से आ गया, तो ये हमारे सामने इस तरीके से आ गया ए फॉर एप्पल। अब यहाँ से हमको जो है ये तीनों को जो है ए एप्पल और ये जो है इमेज एप्पल का इसको तीनों को जो है एनिमेशन लगाना है, तो इन एनिमेशन में जाएंगे और यहाँ से पॉप कर देंगे, यहाँ से ए है इसको भी ए वाले को भी पॉप कर देंगे, यहाँ से एनिमेशन पे जाएंगे पॉप कर देंगे, एप्पल है एप्पल को भी यहाँ से इन एनिमेशन पे जाएंगे पॉप कर देंगे। अभी देखिए हमारे सामने कैसे आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है। अब इसका लेंथ को हमको बढ़ा देना है, इस तरीके से इसका लेंथ को बढ़ा देना है और यहाँ पे जब इस तरीके से ये हमारा लेंथ है अभी ये देखिए बढ़ गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे मैं इसका भी लेंथ को बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं इसका लेंथ को बढ़ा दिया। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, शुरू में आ जाना है। अब यहाँ पे हमको रिकॉर्डिंग कर लेना है, रिकॉर्डिंग जैसे अभी हमको ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल ऐसा बोल लेना है, तो बोलने के लिए हमको क्या करना है, रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से मैं इस पर क्लिक कर दिया और उसके बाद इस रिकॉर्डिंग वाले पे क्लिक कर दे रहा हूँ और अभी मैं यहाँ पे बोल के दिखाता हूँ। तो यह स्टार्ट पे क्लिक किया, ए फॉर एप्पल, एप्पल मीन्स सेब, बी फॉर बॉल, बॉल मीन्स गेंद, सी फॉर कैट, कैट मीन्स बिल्ली, डी फॉर डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता। तो इस तरीके से आपको जो है बना लेना है। अब यहाँ पे जो है इसका जो है मैं अभी कैसे कैसे आया है इसको अभी ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे ए फॉर एप्पल, एप्पल मीन्स
तो इस तरीके से ये आ गया एप्पल मीन सेब। अब यहाँ पे हमको जो है इसका डुप्लीकेट करना है। तो डुप्लीकेट करने के लिए जैसे अभी यहाँ पे एप्पल मीन सेब है और उसके बाद भी जो है इसमें एक बच्चा भी बोल रहा है, तो बच्चे के आवाज़ के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे थ्री डॉट पे जाना है और यहाँ पे लेयर पे इसका डुप्लीकेट कर लेंगे। और उसके बाद में इसको डुप्लीकेट करने के जस्ट बाद में यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे देखिए इस तरीके से जो है इसको हम एक इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पे वॉइस चेंजर है, वॉइस चेंजर पे हम क्लिक कर देंगे और इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए किड वाला ऑप्शन आया है, किड पे हम क्लिक कर देंगे। एप्पल मीन सेब, तो एप्पल मीन सेब हो गया। अब उसके बाद में यहाँ से ये बच्चा बोल रहा है तो बच्चे के लिए हमको यहाँ से कर देना है और यहाँ से जहाँ से ये आदमी बोल रहा है यानी कि मैं जो बोल रहा हूँ तो इसको यहाँ से कट कर देना है। कट करने के लिए यहाँ पे आ जाना है, ट्रिम कर देना है और स्प्लिट कर देना है और इसको जो है यहाँ से इस तरीके से कर लेना है। अब यहाँ पर अभी देखिए कैसे आएगा, देखिए एप्पल, एप्पल मीन सेब, तो यहाँ पे अभी ये जो बच्चा बोला है यहाँ पे थोड़ा सा आवाज़ फंसा है तो इसको मैं आगे से हटा दे रहा हूँ इस तरीके से। तो यहाँ से ट्रिम टू लेफ्ट कर दिया और उसके बाद में यहाँ पे इसको ले जाके सटा देता हूँ। अभी देखिए कैसे आ रहा है, एप्पल, एप्पल, एप्पल मीन सेब। अब यहाँ तक ये हमारा जो है ये सेब जो है यहाँ तक है और इसको ट्रिम टू राइट कर देंगे और इसको जो है इस तरीके से इसको कट कर देंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से एप्पल मीन सेब हो गया और इस तरीके से ये हमारा हो गया। अब यहाँ से आता है बॉल, तो इसको हम यहाँ से जो है पीछे कर लेंगे और यहाँ से जो है ये आदमी जहाँ से फिर बोला है इसको यहाँ पर ले आएँगे। अब उसके बाद में यहाँ पे एप्पल के बाद में बी फॉर बॉल, बॉल, बॉल मीन्स गेंद, तो यहाँ से अब ये बी फॉर बॉल, बॉल मीन्स गेंद बोल रहा है तो यहाँ से हमको फिर कट कर देना है और इसको फिर से पीछे ले लेना है इस तरीके से। अब फिर से यहाँ पे बच्चे वाला आवाज़ को ये दूसरा लेयर वाले को इस तरीके से आगे कर देना है। तो और उसके बाद में फिर अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे ये ए वाला है इसको भी कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पे थ्री डॉट पे जाएंगे और इसके बाद इसको यहाँ पे ये यहाँ पे ले लेंगे इस तरीके से और उसके बाद में एप्पल को भी डुप्लीकेट करके यहाँ पे ले लेंगे ताकि हमको बार बार में फॉन्ट वगैरह चेंज ना करना पड़े। अब यहाँ पर इस तरीके से हमारे सामने आ गया। अब ये ए लिखा है, ए वाले पर हम क्लिक करेंगे और इसको बना देंगे बी, इसको बी बना दिए और यहाँ पे एप्पल को यहाँ पे इसको कट करके इसको बॉल बना दिए। इसलिए ऐसा बना रहा हूँ ताकि आपको हमेशा कलर और ये सब चेंज ना करना पड़े। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे जो है बॉल का हमको इमेज लेना है तो लेयर में जाएंगे, वही सेम प्रोसेस करना है, मीडिया पे जाएंगे और यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर जो डाउनलोड करके लाया हूँ बॉल को यहाँ पर इस तरीके से कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए कैसे आ रहा है, अब इसको इन एनिमेशन पे जाके पॉप कर देना। अब यहाँ पे इस तरीके से देखिए आएगा, एप्पल मीन्स सेब, फोर एप्पल, एप्पल मीन्स सेब, बी फोर बॉल, बॉल मीन्स गेंद। अब यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, क्यों, क्योंकि बॉल का हम यहाँ पे इमेज बड़ा नहीं किया थे। अब यहाँ पे आदमी बोल रहा है उसके बाद में बच्चा भी बोल रहा है बॉल, बॉल मीन्स गेंद। तो इस तरीके से आपको जैसे जैसे ये ऐसे ऐसे लेयर को बढ़ाते जाना है, कट करते जाना है और आपका ये पूरा बन जाएगा अच्छे से। अब यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो ये एप्पल है, एप्पल से बहुत एप्पल यहाँ पे निकल के आए ताकि और अट्रैक्टिव दिखे, क्योंकि जो चैनल में देखा था चुच्चू टीवी स्टार में उसमें यहाँ से बहुत सारे एप्पल निकल के आ रहे थे। तो अभी हमको क्या करना है, इस पे लेयर पे जाना है और यहाँ पे थ्री डॉट पे जाना है और इसको डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद में अभी यहाँ पे इस पे हम क्लिक करेंगे और ओवरऑल एनिमेशन है, ओवरऑल एनिमेशन पर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ से फाउंटिंग वाला है, ये फाउंटिंग वाला यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये आ रहा है। अब यहाँ पे ये जो है इस पर हम क्लिक करेंगे लेयर पे
और उसके बाद में यहाँ पे सेंड टू बैक कर देंगे यहाँ पे इस तरीके से। तो अभी देखिए कैसे आ रहा है। ए फॉर एप्पल, एप्पल मींस सेब। ए फॉर एप्पल, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे बी फोर बाल को भी इस तरीके से डुप्लीकेट कर लेना है, और ये डुप्लीकेट वाले को ओवरऑल एनिमेशन पे फिर से जाना है। और उसके बाद में यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारे सामने ये माउंटेन है, ये माउंटेन वाले पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे देखिए इस तरीके से बी फोर बाल। अब ये सामने से आ रहा है तो यहाँ पे इस पर क्लिक करके सेंड टू बैक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए बाल का ये भी अभी पीछे से आ गया, देखिए पीछे से आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। बॉल मींस गेंद। तो इस तरीके से आ रहा है। अब मान लीजिए हमको इसको हटाना है, व्हाइट बैकग्राउंड के जगह पे हमको कोई दूसरा बैकग्राउंड लगाना है, तो यहाँ से मैं इसको डिलीट कर दिया और ये मीडिया वाले पे चले जाते हैं। और यहाँ से जो है मैं जो डाउनलोड करके लाया हूँ उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं जो है यहाँ से इमेज वाले पे पिक्चर पे गया और इस जो है बैकग्राउंड को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे इस तरीके से कर लेता हूँ। तो ये अभी देखिए इसको पैन एंड जूम करना है क्योंकि ये पूरे में नहीं आ रहा है। तो यहाँ से पैन एंड जूम पे क्लिक करेंगे, इक्वल करेंगे और इसको थोड़ा सा इस तरीके से बढ़ा लेंगे यहाँ पे देखिए इस तरीके से, और ये एरो पे क्लिक करेंगे। अभी देखिए हमारा किस तरीके से आएगा। ए फोर एप्पल, एप्पल मींस सेब। ए फोर एप्पल, एप्पल मींस सेब। बी फोर बाल, बॉल मींस गेंद। बी फोर बाल, बॉल मींस गेंद। तो इस तरीके से आपको जो है अलग अलग जो है बैकग्राउंड में बना के और इसी को कई बार आप अपलोड कर सकते हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ कि इस तरीके का जो चैनल है ये एजुकेशनल टाइप का चैनल है, एजुकेशनल आप इसका कैटेगरी एजुकेशनल रखेंगे। अब मान लीजिए हमको जो है यहाँ पर इसका जो है वो थंबनेल बनाना है, तो थंबनेल बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे थंबनेल बनाना है। थंबनेल बनाने के लिए अभी हमको आ जाना है जो है यहाँ से बैक आ जाते हैं। अभी मान लीजिए हमको थंबनेल बनाना है, तो थंबनेल बनाने के लिए हमको यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए ये इमेज ये जो है इस पर हमको टैप करना है, और कैप्चर एंड सेव है इस पर हमको क्लिक कर देना है। ये देखिए ये एक इमेज हमको हमारा ये कैप्चर हो गया। अब इसी तरीके से ये बॉल वाला है, बी फॉर बॉल, बॉल वाला इसको भी हमको जो है इसी तरीके से कैप्चर कर लेना है। तो इस पर एक बार टैप करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर इस तरीके से आ गया, और उसके बाद में ये देखिए यहाँ पे फिर से इस पर हमको क्लिक करना है और कैप्चर एंड सेव पे कर लेंगे। इसी तरीके से हमको यहाँ पे कैट का है, कैट का भी हमको इसी तरीके से सेव एंड कैप्चर कर लेंगे यहाँ पे इस तरह कैप्चर एंड सेव। इसी तरीके से डॉग है, डॉग का भी हमको कर लेना है, इस पर हमको क्लिक करना है कैप्चर एंड सेव इसी तरीके से। अब यहाँ से आ जाना है पिक्सल लैब में, बाद में यहाँ पर पिक्सल लैब में आ गया और यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके इमेज साइज है यहाँ पे कस्टम यूट्यूब थंबनेल यहाँ से इसको ओके, ये न्यू टेस्ट है यहाँ से इसको डिलीट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे शेप है, शेप वाले पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से नीचे आ जाएंगे, रेडियस है इसको हम इस तरीके से कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कोने कोने का ये टेढ़ा हो जा रहा है इस तरीके से, और इस तरीके से इसको हम जो है इमेज बनाने के लिए सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे सामने इस तरीके से आ गया, और यहाँ से अभी हम इसको क्या करेंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्टोक है, स्टोक को इनेबल कर देंगे, इसका कलर रखेंगे ब्लैक, और यहाँ पे इसको जो है स्टोक वेथ 2 रखना है, फिर इसको ओके कर देंगे। और यहाँ से जो है इस शैडो है, शैडो को भी इनेबल करेंगे, इसको भी कलर ब्लैक रखेंगे, और उसके बाद में यहाँ पे इस तरीके से आ गया। अब इसका जो है बैकग्राउंड वाला जो है बैकग्राउंड का कलर हमको चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर में पहले चेंज नहीं किया, तो बैकग्राउंड कलर को हमको चेंज करने के लिए इस पर हमको ये जो बुक वाला है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं बैकग्राउंड चेंज कर दे रहा हूँ, जिससे मान लीजिए हमको ये बैकग्राउंड रखना है इस तरीके से। अब उसके बाद में इसका हमको कॉपी करके चार पार्ट में डिवाइड कर देना है। चार पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमको क्या करना है, इसको जो है सेंटर वाले पे क्लिक करके इसको कॉपी कर लेंगे
और कॉपी करने के बाद में यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसको कॉपी कर लिए, यहाँ पे रख दिए, एक यहाँ पे रख दिए, उसके बाद में एक कॉपी और करेंगे, एक यहाँ पे रख दिए। अब यहाँ से हमको आ जाना है इमेज पे, गैलरी पे चले जाते हैं और यहाँ से जो है एप्पल का, एप्पल को हमको इस तरीके से जो है यहाँ पे सेलेक्ट करना है और इसका इमेज को इस तरीके से कर लेना है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से एप्पल हो गया। अब यहाँ से बी फोर बॉल हो गया, फिर से गैलरी में आ गए, बॉल को हमको इस तरीके से रख लेना है। यहाँ से इसको छोटा करेंगे और इसका साइज को इस तरीके से कर लेंगे और यहाँ पे देखिए हमारे सामने ये बॉल भी बॉल हो गया। अब इसी पे एक बार और क्लिक करेंगे और यहाँ पे सी फोर कैट हो गया, कैट को भी हम इसी तरीके से जो है यहाँ पे इस तरीके से कर लेंगे। तो ये हमारे सामने कैट हो गया और फिर से हम गैलरी पे जाएंगे और फिर से ये जो है डॉग है, डॉग को भी हम इस तरीके से ले लेंगे और उसके बाद में यहाँ पे ये हमारा थंबनेल बन के क्लियर हो गया है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारा थंबनेल जो है बन जाएगा। अब ये हमारा थंबनेल क्लियर हो गया है। अब यहाँ से हम इसको सेव करने के लिए अभी हम इसको सेव करेंगे, तो सेव अभी देखिए थंबनेल कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब हमको इसको सेव करना है, सेव करने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ से जो है थ्री डॉट पे जाएंगे और एक्सपोर्ट इमेज पे क्लिक करेंगे और जेपीजी है इस पर हम ये थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे प्ले वाले बटन पे और इसको पीएनजी में कन्वर्ट करेंगे, कस्टम है इसको अल्ट्रा पे करेंगे और यहाँ पे सेव टू गैलरी कर देंगे। अब ये हमारा थंबनेल बन गया, इस तरीके से ये हमारा थंबनेल बन गया और आप जो है अपलोड इसको कर देंगे और इसको थंबनेल लगा देंगे और कैटेगरी आपको एजुकेशन रखना है, बस आपका ये जो है अच्छा खासा ये बन गया। इसी तरीके से आपको बना लेना है और आई होप ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।